साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। दो वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महाउत्सव को समापन कर रहे हैं तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव गांव गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए, अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है, पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया।
ये तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे तो उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 2400 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे, जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है, जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है वो हमें
कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी, आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था, तब मेरे जो भाव थे वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है।
देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, लेकिन अब वो गांव गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरिकुट्टी चिन्नैया हो, तात्या भील हो, तिरोसी हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, रानी गाइदिनलियो, रानी वेल्लु नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारीबाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया। मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की पांचवी बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दौरान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए, कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है।
इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई, इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहेब जादव की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई, अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है अंतः अंतः अस्ति प्रारंभः, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माई भारत इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माई भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है। हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा, हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान इसी संकल्प के साथ चल पड़े, मेरे साथ बोलिए। और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए, चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।